मीजल्स यानी खसरा सांस से जुड़ी एक वायरल बीमारी है। यह बीमारी सर्दी और वसंत ऋतु में ज्यादा प्रभावी हो जाती है, इसलिए इन मौसमों में सावधानी बरतनी बेहद जरूरी होती है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के छींकने से फैलता है। गर्मियों और इस मौसम में होने वाली खसरे की बीमारी ज्यादातर बच्चों को होती है, लेकिन कभी कभार यह बड़ों को भी हो जाती है। तो आइए जानते हैं खसरे से बचने के घरेलू इलाज क्या है। मुलेठी। मुलेठी की जड़ों का पाउडर बनाकर शहद के साथ मिलाकर रोजाना आधा चम्मच खाएं। इमली का बीज और हल्दी। इमली के बीज का पाउडर बनाकर हल्दी के साथ बराबर मात्रा में खाएं। इस मिश्रण को 350 ग्राम से 425 ग्राम तक रोजाना तीन बार खाने से रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियों में एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इसकी पत्तियों को नहाने के गर्म पानी में मिलाएं, जिससे खुजली और रैश ठीक हो सके। रोगी को इस पानी में कम से कम 20 मिनट तक रहना ही चाहिए। लहसुन। लहसुन एक प्रभावी दवा मानी जाती है, जिसको अगर शहद के साथ पीसकर रोजाना खाया जाए तो असर दिखता है। नींबू का रस। नींबू के रस को पानी के साथ मिलाकर पीने से मीजल्स ठीक हो जाता है। करेले की पत्ती और हल्दी। हल्दी की जड़ का पाउडर बनाकर उसे शहद के साथ मिक्स करें। उसके बाद उसमें करेले की पत्ती का जूस निचोड़ कर डालें और उसको पी लें। नारियल पानी और उसकी मलाई। नारियल पानी शरीर में जमा हुए जहरीले तत्व को बाहर निकालता है और उसकी मलाई में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे मीजल्स तुरंत ठीक हो जाता है। जौ। मीजल्स में अगर कफ आता है तो जौ का पानी काफी लाभकारी होगा। रोगी को जौ का पानी पीना चाहिए, जिससे वह तुरंत ठीक हो सके। बैंगन के बीज। बैंगन खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बेस्ट रिजल्ट के लिए रोगी को 3 दिनों के लिए आधा ग्राम बीज खिलाएं। संतरे का रस। संतरे का रस मीजल्स को पूरी तरह से ठीक करता है। इसमें रोगी को जब भूख नहीं लगती तो उसे संतरे का रस पिलाने से उसकी भूख बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज़।